यार आइसलैंड की ब्यूटी ही अलग है। घूमने के लिए तो बढ़िया ही है यार। इतने लोगों के पास इतना पैसा हो, आराम से आइसलैंड जाके घूमो। पूरा स्नो और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, एक 4x4 ले लो और मस्त घूमो। फिलहाल तो हम जा रहे हैं हैदराबाद में, कुछ स्पेशल खाने का मन कर रहा था तो सोचा यार कुछ बढ़िया जगह जाके खाया जाए। बट बढ़िया जगह में वही है कि क्या ही है, मतलब वैसे ही रहते हैं। तो सोचो थोड़ा कुछ डिफरेंट ट्राई किया जाए इस बार। तो इस बार एक हाईवे पे देखा, विजयवाड़ा हाईवे पे एक उड़ीसा ढाबा करके एक है, जहाँ पे रंबा चिकन या रूम्बा चिकन कुछ बोलते हैं, वो बहुत ही अच्छा है। तो एक बार चलते हैं वहाँ पे, ट्राई करते हैं कैसा है और आपको दिखाते हैं कि वो कैसा है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। जा रहे फिर हम ढाबा, कौन सा ढाबा? उड़िया ढाबा। उड़िया ढाबा नहीं, उड़ीसा ढाबा है। हाँ लिफ्ट तो आ मतलब रहे थे। उड़ीसा ढाबा। क्या खाना है वहाँ पे? अभी खानी है मेथी चमन, मेथी मलाई चमन और तंदूरी रोटी या फुलका। मैं खाऊंगा रंबा चिकन। प्रेस द डोर रम। चलो भाई अपनी गाड़ी रही है हैरियर, इसको भी निकाले, बहुत दिन से पड़ी है यहाँ पे। ये भी बोलता होगा साला खरीद कर रखा, कभी निकालता नहीं है। लेट्स गो। हैरियर का रिवर्स कैमरा वैसे तो ठीक है, बट थोड़ा और अच्छा होता तो बढ़िया होता। इतनी क्लैरिटी नहीं देता है, और 360 डिग्री कैमरा जो हैरियर में नहीं है, इट्स अ मेस। क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी के लिए थोड़ा सा 360 डिग्री कैमरा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। अरे यार मेरा तो नेट ही नहीं चल रहा है, अभी डायरेक्शन लगा रहा हूँ और ये नो इंटरनेट कनेक्शन बोल रहा है। हमारे एरिया में नेटवर्क जैमर है, जैमर लगा हुआ है। क्यों भी लगा यहाँ तो पे ये वी वी जैमर? आई पीज रहते हैं, पता नहीं है। एक भी वीवीआईपी दिखता नहीं है वैसे। यार ये तो अभी भी नहीं आ रहा है, अभी जाएंगे किस में तो पता भी नहीं है। ओवरऑल पे चढ़ना है, बस ये याद है कौन सा एग्जिट लेना है मेरे को, वो भी नहीं पता। दो मेरे पास तुम्हारे जो फोन में ट्राई करो एक बार। क्या बेकार फोन हो गया यार ये, 4 साल पुराना फोन हो जाता है उसके बाद लग रहा है कि एंड्रॉइड भी धोखा दे रहा है। अभी डायरेक्शन क्या है कुछ बताओ तो, कहाँ जा रहे हैं एग्जैक्टली मतलब ढाबे उड़ीसा का नाम ढाबा डालो गूगल में। हाँ अपने आप आ जाएगा ऑप्शन। तो डीजल डलवा लेते पहले, क्योंकि भाई गाड़ी का रेंज बोल रहा है सिर्फ 205, बट उसका एक साइड का डिस्टेंस है 118। तो हाईवे पे वो डलवा सकता है बट पता नहीं कहाँ रहेगा नहीं रहेगा। तो बगल में किस पे पेट्रोल पंप है तो भैया डलवा के ही निकलो, हाईवे में काहे ढूंढना है ना, काहे ढूंढना तुमको हाईवे में पेट्रोल पंप। 205 किलोमीटर का डिस्टेंस टू एम्प्टी, पता नहीं शायद 205 के बाद भी रहता होगा, बट इतना रिस्क कौन ही लेगा है वो, कौन ही लेगा ना रिस्क। मैप लग गया। वाओ यार ट्रैफिक से तो छुटकारा मिला तब तो पहुंचे। वीकेंड में हालांकि सब लोग निकले होंगे ना खाने के लिए, आज मॉल जाना, आज मूवी देखने जाना, आज इधर जाना है, तो भाई सबको जाना है। तो बट टाइम क्या हुआ है, ऑलरेडी 2 बज गए। टाइम 2 बज गया है पर उनको थोड़ी पता कि हमें भूख लग रहा है। यहाँ से बस ओ आर आर का एग्जिट ले लेंगे और चढ़ जाएंगे ओ आर आर पे। ये तो कहोगे ओ आर आर है बोल के थोड़ा आराम मिल जाएगा, नहीं तो अगर ऐसे ही जाना पड़ता 1 घंटा 45 मिनट का रास्ता है, लगेगा ही तभी है ना। भूख ज्यादा जोर से लगा रहेगा, उसके पास जाने में जो मजा है, खाने में जो मजा है, दैट इज ग्रेट। बट मेरी भूख से बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है, 2 बजे तक तो हम लोग लंच कर लेते हैं। चढ़े अब ओ आर आर पे। फॉर्चुनर तो हैदराबाद में ऐसा चलता है जैसे ऑल्टो, इतना फॉर्चुनर खरीदते लो, इतना पैसा है हैदराबाद में लोगों के पास, बहुत अमीर है भाई। निजामों का शहर है ना, निजामों पैसा ही पैसा भाई, पैसा ही पैसा होता ना, पैसा ही पैसा, एकदम पैसा, खूब पैसा। बढ़िया मानना पड़ेगा इस हिसाब से, उन्होंने जितना अच्छे से सिटी प्लान किया है ना उसका साथ देना पड़ेगा कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी ऐसा होना चाहिए कि फ्यूचर के ट्रैफिक, सिटीजन लोड, ये सब को देखते हुए पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। तो भाई कुडोस टू भाई हैदराबाद, बहुत सही करता है। HMD है, HMD है जिंदाबाद। ऐसे ही खाली होता तो कितना मजा आता ना। ओवरऑल में एयरपोर्ट के बाद से जो ट्रैफिक कम होता है ना, ओ भाई साहब पूरी हरियाली और पूरा रोड ही तुम्हारा है, मजा आता है इसमें गाड़ी चलाने में। लेकिन इनका वही है यार कि मतलब 100 से ऊपर आप जा नहीं सकते, सो आपको 100 के अंदर ही रखना पड़ता है। बट हैदराबाद का ORR आई थिंक अभी तक का बेस्ट ORR है। हां भाई ये तो किसी भी शहर का मतलब जितना हम लोगों ने एक्सप्लोर किया, बैंगलोर का तो बहुत ही बेकार था, यहाँ का तो बहुत ही अच्छा है। बैंगलोर में बन रहा है शायद फिर से, बना रहे शायद, बट हैदराबाद का तो भाई मस्त है। देखो दूर दूर तक तो मतलब कुछ ही गाड़ियां दिख रही है, तो कितना मजा आता है देखने में। एंड ग्रीनरी है पूरा, नाइस ग्रीनरी।
मेंटेन भी बढ़िया किया, देखो पूरा मेंटेन ऐसा काम लेफ्ट से चला है, घास वास ना आ जाए ऐसा वैसा, बढ़िया है। बट यहाँ पे है कि अपना टर्न अगर गलती से मिस हुआ तो भाई घूमने को रेडी रहो पूरा हैदराबाद, बहुत दूर जाके अगला एग्जिट मिलेगा। तो अपना तो भाई एग्जिट का ध्यान रखो पहले से। लगता है यार रेंज रोवर जाते समय, ओहो मतलब कोई भी इतना अच्छा सस्पेंशन है, टायर ऊपर नीचे हो रहा है, बॉडी आराम से, मतलब मालिक 2 करोड़ दिए होंगे 1 करोड़ दिए होंगे तो भाई पूरा आराम से फुल आराम से मसाज कराते कराते जाओ साला, कुछ भी जर कुछ नहीं, सारा जर और ये सब हम लोग के लिए छोड़ रखा है टाटा ने कि बेटा उनसे पैसा ले रहे हैं तो उनको कम है, तुमसे कम ले रहे हैं तो तुम थोड़ा झेलो। ऐसा तो नहीं कि हमारी वहाँ पे फर्स्ट वर्सेस स्टॉप सी हो जाए, जब तक पहुंचे तब तक ढाबा में खाना खत्म हो चुका होगा और वो बोलेंगे कि हाँ अभी तो चाय पकौड़ा ही है सर। ऐसा नहीं हो सकता, इतना दूर से बोलेंगे सर 1.5 घंटे से आ रहे हैं, हालांकि अभी तो टाइम ही है उनका, अभी वो तो हमेशा खुला रहता होगा, मुझे लगता है कि 11 बजे के बाद से वो खुला रहता होगा रात तक, वो भी देर रात तक। ढाबा है तो हाईवे पे ढाबा है ना, हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे का ढाबा है तो ऐसा बंद नहीं होगा। अभी 3:30 खाना अच्छा होगा यार, उसके रिव्यूज मैंने इतने देखे है की 3,900 लोगों ने उसको रेटिंग दी है, शायद 4.2 या कितनी है ना उसकी रेटिंग, तो इतने सारे लोग तो छूट नहीं मिलेगा। बहुत सारे मतलब फूड जो ये होते हैं ना फूड ब्लॉगर्स, उन्होंने भी उसको कवर किया है एंड दे हैव रियली लाइक द रंबा चिकन। रंबा चिकन एक्चुअली उड़ीसा में एक जगह है, उसका नाम प्लेस है ब्रह्मपुर के पास है, रंबा चिकन जगह का नाम है, रंबा नाम है, रंबा चिकन वहाँ से आया है। तो मतलब वो चिकन ग्रेवी टाइप का कुछ तो बनाते हैं और उसके ऊपर ऑमलेट रख के बनाते हैं, बहुत बढ़िया, लोगों ने तो बताया कि बहुत बढ़िया है, अब जाके देखते हैं कैसा रहेगा, बट आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। और वो चीज इधर शहर में वो नहीं मिलती किसी रेस्टोरेंट में, सो इसलिए और थोड़ा लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगा। रंबा चिकन इज नॉट माय कंसर्न बिकॉज़ हम तो प्योर वेजिटेरियन हैं, आपको पता है। खाना मेथी मलाई मेथी चमन वहाँ का वो फेमस है वेज में, और रंबा चिकन है नॉन वेज में। बट मेरा दाल और तंदूरी रोटी खाने का बहुत टाइम से मन कर रहा है, की क्रेविंग हो रही है, पता नहीं क्यों। क्वांटिटी ज्यादा रहेगा ना तो खा ही नहीं पाओगी, ये भी नहीं खा पाओगी, वेज में भी हमें को मतलब खाना पड़ेगा। नॉन वेजिटेरियंस का ही सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है, वेज भी का सबका होता है कि आई एम श्योर जो ये वीडियो देख रहे हैं वो भी बोलेंगे, अग्री करेंगे कि वो लोग नॉन वेज भी खाते हैं और वेज भी खाते हैं, उनको तो डबल डबल फायदा होता है। वेजिटेरियंस के साथ सिर्फ वेज ही खाते हैं, बट ठीक है वेजिटेरियंस के पास ज्यादा ऑप्शन होते हैं, नॉन वेज के पास सब वही होता है ना, एक ही चीज आलू को अलग अलग ग्रेवी में मिक्स करते रहो और खिलाते रहो। पनीर का भी तो वैसे ही है, पनीर ही नहीं होता वेजिटेरियंस के पास, सब पनीर नहीं होता, बहुत सारी इतनी वैरायटी ऑफ सब्जीज होती है ना। तो किसने बोला कि वेजिटेरियन के पास कम है, हम तो बोल रहे हैं वेजिटेरियंस के पास ज्यादा ऑप्शन, मतलब नॉन वेजिटेरियन के पास कम है, नॉन वेज के पास बहुत कम होते हैं ऑप्शंस, उनको भी अच्छा करने के लिए दे हैव टू ऐड की कुछ ना कुछ क्या पता सब्जियां ही डालते हैं, कढ़ाई चिली क्या कढ़ाई चिकन होता है जिसमें भी कढ़ाई पनीर का पूरा ग्रेवी बना होता है, इसी तरह चिली चिकन होता है आपका, मतलब क्या शिमला मिर्च हर जगह ऐड करना पड़ता है उनको कैप्सिकम, तो यही होता है। लेट्स सी क्या होता है, मिलेगा खाना मिलेगा, मिलना चाहिए वरना मेरी तो हालत खराब हो रही है, ऑलरेडी पानी पी पी कर काम चला रहे, 2 बॉटल पानी खत्म कर दिया, 1 घंटा 5 मिनट हमारा पहुंचने में फोकस, 1 घंटा 5 मिनट पर 3:30 से ज्यादा होगा, लेट्स सी। ओए होए ये क्या हो गया, अरे ट्रक हो एलबी नगर वाला एग्जिट लेना है विजयवाड़ा रोड वाला, और ये जंक्शन 11 है शायद, हाँ
और यहाँ से फिर लगभग 56 किलोमीटर रह जाएगा, वही लगभग 54 मिनट दिखा रहा है गूगल मैप में, और उसके बाद वो वाला जगह आता है, ये वही है जिसको उड़ीसा जाना है, वो भी इसी हाईवे पे जाएंगे विजयवाड़ा और उसके आगे विशाखापट्टनम और फिर उधर से आगे टोल आ गया रे बाबा। तो आएगा ना, भूख लग रही है मेरे को, बहुत जोर से लग रही है लिटरली, अब पेट में ना चूहे कूद रहे हैं। मेरा मन कर रहा है अभी वापस चलो खाना खाते घर पे ही, बट जितना नहीं दूर घर जाने में लगेगा उतना दूर इधर ही होगा। अभी बीच के हो गए धोबी के कुत्ते हो गए ना, घर के ना घाट के, अभी तो भैया है इधर ही, तो बेटर है घाट को ऑप्शन चूज करते रोड पे। और ओवरऑल जितना ही अच्छा था ये रोड में उतना ही पैचेस भरे पड़े, जितना ही आराम से आए थे उतना ही हिलडुल के जा रहे हैं। अब 46 मिनट और दिखा रहा है ORR से हम लोग रामोजी फिल्म सिटी को क्रॉस करके फिर यहाँ पे आए। ये वो वाला रोड है, अरे भाई यहाँ पे DPS भी है, जफर गुड़ा, वाह वाह वाह। एंड रामोजी तक बहुत अच्छे फूड पॉइंट्स भी हैं, काफी अच्छे अच्छे खाने के ऑप्शंस हैं, बट हम लोगों को तो ढाबे में खाना है आज, तो आज कुछ भी हो जाए हम लोग वहीं जाएंगे, भूखे मर जाएंगे लेकिन जाएंगे वहीं पे, है ना? उड़ीसा ढाबा। ये देखो एक और ढाबा मिला, ये क्या है? चाचा ढाबा, चाचा फैमिली ढाबा। वाओ इधर बहुत सारे फैमिली ढाबे, अबे यहाँ पे ढाबे हैं तो हम लोग यहाँ पे क्यों नहीं रुके, हम लोग इतनी दूर क्यों गए? क्योंकि वो वाला पे खाना है ना हम लोग स्पेशल जो है। अच्छा, क्योंकि आपको रंबा चिकन खाना है, क्योंकि मेरा मेथी चमन तो कहीं पे भी मिल जाएगा, रंबा चिकन वही मिलेगा। सही बात है, नॉन वेज का मिलता हो, पहले तो आज ट्राई कर ले, फिर चाचा जी के पास आएंगे, फिर चाचा जी के पास आएंगे अगली बार। अब से क्या करेंगे, ढाबे एक्सप्लोर करेंगे, ढाबा सब पॉटरीज जो मिल रहे थे बढ़िया था, बहुत अच्छे, मन कर रहा है एक तो ले ले, बट फिर सोचा छोड़ो क्या करेंगे। यहाँ पे क्या मिल रहा है उस पे वो नहीं ध्यान दिया, सॉरी मिस हो गया। आते समय ध्यान देना, आते समय तो उस साइड होंगे ना रोड के, कैसे ध्यान देना। कभी कभी बढ़िया बढ़िया चीजें मिल जाती है एक साइड में, सस्ती चीजें मिल जाएंगी जो मतलब नॉर्मल, अगर ये सब लोग उधर से, हम लोग कौन से हाईवे पे बाय द वे, और यहाँ से अराउंड 100 किलोमीटर एक, अरे वो एक और आ गया रेशमा ढाबा, देख रहे हैं आप, ढाबा ही ढाबा, ढाबे पे ढाबा रेशमा ढाबा। ए यहाँ पे कुछ ये अच्छा कुछ है, माउंट करके, माउंट ओपेरा क्या है, हम पता नहीं रिजॉर्ट है कि क्या है माउंट ओपेरा। यार लोग हैं अंदर काफी बढ़िया लग रहा है, हम लोग आए नहीं ना इस साइड ज्यादा, एक ही तो पर है। अरे काफी अंदर डेकोरेटिव है, आई थिंक कुछ वो है एडवेंचर पार्क या कुछ तो है, हो सकता है, चेक करते हैं। यार ट्रैफिक बहुत है इस रोड में, हो सके तो बंदा बहुत ज्यादा ओवर जैसा रास्ता रहता तो इंसान जल्दी भी पहुंच जाए, लेकिन इतना ट्रैफिक है ना इसमें, ऊपर से बड़े बड़े ट्रक हैं और ये हैवी मतलब ट्रैफिक वाला रोड है, इसमें अगर 3 लेन रहता ना तब तो भाई मजा ही आ जाता, लेकिन 2 लेन मतलब 2 इधर 2 उधर 4 लेन टोटल है ना, उसकी वजह से थोड़ा सा जैसे वो सामने 2 ट्रक जा रहे हैं, वो भाई आराम से ओवरटेक करेगा तो टाइम तो लग ही जाएगा। ये तो अच्छा भाई कि ओवर आर पे ज्यादा डिस्टेंस कवर करना था, अगर इधर ज्यादा करना होता तब तो भाई लग ही जाते, बट हालांकि ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर तो इधर भी था ही, ऑलमोस्ट तो बराबर ही पड़ा, बट वही है कि वीकेंड में आए तो शायद मैं भी ज्यादा ट्रैफिक दिख रहा हूँ, वीकडेज में इतना ट्रैफिक ना दिख रहा हूँ, सब लोग इधर उधर कहीं जा रहे हैं, देखते हैं और कितना टाइम लगता है। सो लास्ट 10 मिनट्स टू गो, फाइनली अब तो भूख भी शांत हो गई मेरी, अब होता ना एक टाइम आएगा जिसमें भूख बहुत जोर से लगी होगी, फिर पेट खुद बोलेगा अरे यार मालिक को तो पड़ी ही नहीं है साला, इतना पेट में जलन करके क्या ही फायदा, थोड़ा शांत हो जाओ जब मिलेगा तब देखा जाएगा। ये बहुत ही बेकार लोग है, इनके पेट में कुछ करने से फायदा नहीं है, वही बात है, इसलिए वो शांत हो गए, वही नहीं मालिक जब दोगे तब खा लेंगे। चलो 10 मिनट और बचा है पहुंच के, फिर पानी जितना पी लिए थे ना अभी, अब साला पहले वॉशरूम भागेंगे उसके बाद आएगा पता है। अरे हाँ वो भी है, चलो 10 मिनट बाद फिर पहुंच के बात करते हैं। फाइनली आ गया हमारा उड़ीसा ढाबा। अरे यहाँ पे तो क्राउड है, भीड़ है अच्छा खासी,
अरे खाना मिलेगा लगता है, सब मिलेगा यहाँ पे। मेन्यू में यहाँ पे फाइनली हम पहुँच गए। मेन्यू में यहाँ पे हमने ऑर्डर किया रंबा चिकन, जो यहाँ का फेमस है। और वेज में हमने ऑर्डर किया है वेज महारानी। देखते हैं अब कितनी भूख लगी है। बहुत ज़ोर से भूख लगी है, सर पे जा चुकी है, सर में दर्द हो रहा है। आ रहा खाना, तुरंत आ रहा खाना। तो आ गया फुलका, और ये यहाँ का स्पेशल रंबा चिकन। ये ऑमलेट रहता है, ऑमलेट के अंदर कुछ चिकन ग्रेवी और चिकन कीमा टाइप का रहता है उसका। तो बहुत सुना है मैंने, देखते हैं कैसा रहता है। तुम्हारा अभी तक आया नहीं वेज महारानी, तो महारानी से वेट करो। तो मेरा वेज महारानी आ चुका है, चपाती भी है, एंड ये भुक्कड़ आदमी ऑलरेडी खाना शुरू कर चुका है। कैसा है? चलो अब हम भी खाते हैं, बहुत तेज भूख लग रही है। कैसा है? बहुत अच्छा है। खाना तो खा लिया, सब रात के प्लानिंग है। बाहर पे ऐसे टेबल्स और वो सब लग जाते हैं, हम लोग इतना पार्सल करके भी ले जा रहे हैं, क्योंकि खाना बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। एक गाड़ी अपनी हैरियर, इसका भी पेट भरा हुआ है, अब चलते हैं घर। ओके, तो हम लोग ने खाना खा लिया है। आज हमने अच्छे से प्रॉपर 4 रोटी खाई थी। वेज महारानी था, आपके में क्या था? चिकन रंबा चिकन, रंबा चिकन, रंबा चिकन करी। विपुल ने भी पूरी 4 रोटियां खाई, और मेरा तो प्रॉपर ओवर ईटिंग होता है। यूजुअली आई ईट ओनली सिर्फ 2 रोटियां, 1 रोटी मेरा होता है, आज 4। और उसके साथ ग्रीन चिलीज कितनी सारियों ने खाई, वो भी बहुत टेस्टी लगा। ओवरऑल फूड वाज वर्थ इट, बहुत बढ़िया, मतलब टेस्टी था। मेरे को लग रहा था कि इतना दूर आकर कभी ऐसा ना हो जाएगा यार, हाथी के साथ कुछ और खाने के, कुछ और दिखाने के, और साला। लेकिन बढ़िया था, मस्त टेस्टी लगा। मतलब इतना दूर आके थोड़ा लगता है ना यार, मतलब खाना अच्छा नहीं होता तो मूड खराब हो जाता है यार, यार इतना दूर आए और वो खाना भी बेकार था। बट खाना बहुत सही था। हम लोग तो जो बच गया वो भी मतलब बहुत क्वांटिटी था, हम लोग तो पूरा पार्सल वार्सल लेके जा रहे हैं। लास्ट में खीर भी खाए थे, खीर भी बहुत टेस्टी था, और रबड़ी भी पार्सल ले लिए हैं जो वहाँ का फेमस है। तो बढ़िया था, ओवरऑल इट वॉज गुड। तो हम लोगों ने सुना है कि यहाँ का खीर और रबड़ी बहुत फेमस होता है। खीर इज वो सेमिया का होता है, सेवई होता है, उसको यहाँ पे खीर बोल रहे थे मेन्यू में। तो सेमिया और उसके साथ साबूदाना मिक्स्ड था, बहुत ही अच्छा बना, मतलब दूध को बिल्कुल काढ़ के जैसा बनता है ना, बहुत टेस्टी खीर थी, बहुत अच्छी। और गरम गरम नहीं, एकदम मतलब ऐसे लग रहा था कि गले में क्या आराम सा लग रहा है। एक तो हम थोड़ा सा जिसको थ्रोट में इन्फेक्शन या दर्द मतलब कुछ हो ना, सर्दी खांसी, उनके लिए भी बहुत टेस्टी था। उसके साथ रबड़ी हम लोगों ने पैक करा ली है। खाना हम लोगों ने पूरा एक एक प्लेट, क्योंकि आई एम वेजिटेरियन और विपुल नॉन वेज है, तो विपुल ने अपना पूरा चिकन रंबा चिकन करी जो था वो आधा प्लेट से ज्यादा साफ कर लिया और बाकी पैक करा लिया। सेम मतलब हिम्मत नहीं हो रहा था, लेकिन इतना टेस्टी लग रहा था कि भाई खाते हैं। बहुत टेस्टी लग रहा, ऐसा लग रहा है गाड़ी रोक करके सो जाएंगे यहीं पे। अभी कितना 4:30 हो रहा है, 4:30 हो रहा है दोपहर का। हां अभी 4:25 हो गया। तो हम लोग को बहुत मजा आया, और उसके बाद अभी हम लोग वापस घर को जा रहे हैं। रास्ते में शायद कहीं रुकेंगे चाय के लिए, क्योंकि चाय तो मेरे लिए मस्ट है। खा के अच्छे चाय पीएंगे, पी के फिर हम लोग घर पहुंचेंगे। मिल गया चाय, चाय के बिना तो हमारी जिंदगी अधूरी है। कौन सी चाय है? दमटी। दमटी क्या होती है? नॉर्मल मतलब कड़क वाली। अच्छा, अच्छी सी। थोड़ी देर में बुआरा चढ़ जाएंगे, 6 मिनट में बुआरा दिखा रहा है, उसके बाद तो ट्रैफिक वाफिक नहीं रहेगा। संभल के वहाँ गिरना था, कोई नहीं, आराम से पी लो, उसके बाद चलेंगे।
तो फ्रेंड फाइनली घर आ गए, 6:15 हो गया लगभग, तो जाके आने में लगभग 4 घंटे तो ड्राइविंग में गए, बाकी वहाँ पे आधे घंटे खाना उससे ज़्यादा तो था नहीं कुछ फिर, बट इट वॉज़ अ गुड डे। अब चलिए इसे रैप करते हैं यहीं पे वीडियो, कुछ वीडियो पसंद आया होगा अगर हमारा ये वाला तो प्लीज़ इसे थोड़ा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और क्या करना है लाइक और लाइक कीजिएगा। चलो टिल देन, अंटिल न्यू वीडियो, बाय 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 बाय।